नमस्ते दोस्तों, डी टीम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो अपना नया डेबिट कार्ड है तो उसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब ये डेबिट कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा, मतलब कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ये आपके घर पे पहुंच जाएगा बाई पोस्ट, तो आपको इसको कैसे एक्टिवेट करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरे वीडियो में कि आपको इसको कैसे अपना जो पिन है उसको जनरेट करना होगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा जिससे आप अपने ATM कार्ड को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग कैसे जो अपना ATM कार्ड है उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने जो ऑनलाइन SBI का जो पोर्टल है वहाँ पे लोग लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग जाएंगे ई सर्विसेज टैब पे, वहाँ पे जाने के बाद आपको दोबारा से जो ATM कार्ड सर्विसेज जो लिंक दिया हुआ है तो उसको क्लिक करेंगे तो ATM के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको न्यू अप्लाई फॉर न्यू ATM कार्ड यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका OTP या फिर प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे OTP का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको OTP से कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास एक ही नाम से 2 अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे एक ही अकाउंट नंबर दिखेगा और वो पहले से सिलेक्टेड होगा। अगर आपका एक ही नाम पे एक से ज़्यादा अकाउंट्स होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका जो ATM कार्ड के ऊपर जो नाम प्रिंट होकर आएगा तो वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद आपको आपका जो ATM कार्ड का जो टाइप है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके देना होगा। तो अगर आप लोग रुपए कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग रुपए सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो मास्टर कार्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वीज़ा कार्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना जो पूरा डिटेल्स है तो वो आपका वहाँ पे कंफर्म करने का बोलेंगे, तो आप लोग उस डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोसेस मतलब कि ATM कार्ड का जो रिक्वेस्ट है तो वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट है तो ये आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में ही कीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग इसे ATM कार्ड नया ATM कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो रिक्वेस्ट वहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको आप सुबह 8 बजे के बाद और शाम 8 बजे से पहले इसको करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका जो ATM है तो वो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर पहुँच जाएगा बाई पोस्ट, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने जो ATM कार्ड के डिलीवर है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप लोग अपना जो ATM कार्ड को अप्लाई कर देंगे तो आपको बैंक की तरफ से एक SMS आएगा तो 1-2 दिन के बाद कि आपका जो ATM कार्ड है वो पीक पोस्ट के थ्रू वो आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उसका एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके फ़ोन में आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ कि आपका जो ATM कार्ड है वो बाई पोस्ट आपके वहाँ पे आपके घर तक भेज दिया गया है, और उसमें आपको एक स्पीड पोस्ट का एक नंबर भी लिखा हुआ होगा। तो उसी नंबर को यूज़ करके आप अपना जो इंडियन पोस्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना जो ATM कार्ड है मतलब ATM कार्ड की जो डिलीवरी है तो उसको वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा सिंपल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपना जो ATM कार्ड है उसको एक्टिवेट करना होगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे जो आपका जो ATM कार्ड सर्विस का जो टैब है वहाँ पे जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू ATM कार्ड एक्टिवेशन का एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंटर ATM कार्ड नंबर आपको बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 बार अपने ATM कार्ड का जो नंबर है वो वहाँ से देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिवेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे उसको डिटेल्स को वहाँ पे दिखाएगा और कंफर्म करने का बोलेगा, तो वहाँ पे आप लोग कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका जो OTP है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, और उस OTP को आपको वहाँ पे डालना होगा, और OTP डालने के बाद आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है।